वो ये वाला इंजिनल देने वाला हूँ, मोटीवल का 7900 10W40। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। और भाई बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग करने को, सो आज टाइम मिला, सो इसका सर्विस के लिए जा रहे हैं हम। मतलब सर्विस, मतलब क्या करूँगा पता है, शोरूम पे जाके सर्विस नहीं करवाऊँगा, बाहर से कराऊँगा थर्ड पार्टी से। सो शोरूम में बहुत ज़्यादा चार्ज करता है लेबर चार्ज, और इंजन ऑयल भी उतना अच्छा नहीं डालता। सो मैं इसके लिए इस बार हो सके तो बेस्ट से बेस्ट इंजन ऑयल देखूँगा, ठीक है। मैं टारगेट किया है कि वो मोटूल का जो 7100 होता है ना, वो वाला इंजन ऑयल डालूँगा। बहुत सारे बंदों ने रिकमेंड किया कि वो डाल, उससे माइलेज वाइलेज, मतलब माइलेज नहीं, परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा ही भाई थोड़ा सा। सो वो वाला डालने वाला हूँ, बस अभी शोरूम जाना है क्योंकि ऑयल फिल्टर बाहर से कहीं से नहीं मिलता, और इसीलिए शोरूम पे जाके ऑयल फिल्टर लेके आना है। और बस चलो अभी चलते हैं मैं शोरूम पे और उसको लेते हैं, फिर आते हैं बाहर से आके सर्विस करवाऊँगा। और गाइस अभी दिन में ना ब्लॉक करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि गर्मी आ रही है, और गर्मी में भाई हेलमेट पहन के नहीं होता भाई हमसे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ओ शिट यार, फ्यूल अप करना भूल गया, कोई बात नहीं, आते वक्त कर लूँगा। तो अभी मस्त चलते हैं, पहले भाई आज ज़्यादा ब्लॉग करने का मूड नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई अभी अभी नींद से उठ के इसका सर्विस पे जाना पड़ रहा है, पूरा बिल्कुल मूड नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मैं कहाँ से सर्विस करवाता हूँ, काम कर कर किला के सामने जो है ना ये वाला, इधर से अपना काम कराता हूँ बाइक्स का। सो अभी मेरे को फटका लगने वाला है बहुत जोर का, क्योंकि भाई मेरा चेन सेट पूरा गया हुआ है, शोरूम पे जाऊँगा तो वो लोग तो बोलेगा ही। सो 2000 का फटका आई थिंक लग चुका है पूरा, पिछली बार बोल दिया था 8 महीने पहले जब सर्विस किया था। सो अभी लगने वाला है फटका, आई थिंक ये बोलेगा। सो अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, क्योंकि जो मैं ना व्हीली वगैरह मारता हूँ, मतलब मैं अभी भी व्हीलीज में पक्का नहीं हूँ ना, मतलब प्रोफेशनल नहीं, अभी बिगिनर हूँ, तो भाई छोटा मोटा गलती होता है, टूट जाता है। ट्रैफिक भाई इस टाइम बहुत ट्रैफिक होता है, और सुबह में ना निकल भी नहीं सकता बेसिकली, यू नो कि कितना धूप अभी आता रहता रहता है। ये फंस गया सी है। निकल लिया भाई, कुछ फायदा नहीं। हाँ सर, सर ঠিক আছে।
सो भाई अभी शोरूम से घर आ रहा है और क्या हुआ कि एयर फिल्टर देने से मना कर रहा था क्योंकि जो अभी हुआ है ना, मतलब यामा शोरूम से ना बाहर पार्ट्स नहीं बिक रहा है अभी, मतलब उधर में ख़रीद के उधर में चेंज करना पड़ेगा, फिर देगा नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। सो अभी भाई बहुत रिक्वेस्ट करके एक बंदे से लिया है मैंने, 240 रुपीस का भाड़ा, 240 हाँ। और अभी जाते हैं एक मस्त था इंजन ऑयल के ख़रीदते हैं और अपने में लगाते हैं, ठीक है चलो। हाँ जो है ना इंजन लाइट जला हुआ रहता था तो अभी वो भी चेक करवाया, बोला कि साइलेंसर की वजह से हो रहा था। जो है ना मैं साइलेंसर लगाया था और जो वो सेंसर होता है ना सेंसर के बिना ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है वो आवाज़ सुनने के लिए, सो इसीलिए वाला प्रॉब्लम हो रहा था। सो अभी फिक्स हो गया, 150 रुपया लिया उसके लिए। और शोरूम पे ज़्यादातर वीडियो अलाउ नहीं करता था, ठीक है भाई, सो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं किया। तो भाई साहब इतना धुआं काहे को मारता है भाई तुम। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट जाके इंजन ऑयल चेंज करते हैं और घर जाते हैं भाई, ठीक है चलो। वो ये वाला इंजन ऑयल देने वाला हूँ मोटिवल का 7900 10W40, सो चलो। चुका है, ओ यार सामने जैम देखो। सो
अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑयल चेंज करना। और टोटल कॉस्ट आया है भाई, जो इंजन ऑयल था ना उसका कॉस्ट आया था 750 रुपीज़, और एयर फिल्टर 250 मान के चलो, सो 1000 रुपये इधर में चले गए। 750 और 250 कितना होता है, 1000 रुपये। हाँ हाँ भाई, मैं मैथ में थोड़ा कच्चा था, सो 1000 रुपये इधर में चले गए। और बाइक का जो इंजन लाइट होता है ना वो ठीक किया, वो पड़ा मेरे को एक्रॉक्स 150 रुपये। और लेबर चार्ज भाई, आप जहाँ से कराते हो उधर में मैटर करता है, मेरा 100 रुपये लिया लेबर चार्ज टोटल। सो कैलकुलेट करो यार, 150, 100, 1200, 1300 में कंप्लीट हो चुका मेरा पूरा। भाई पहले सर्विस करवाता था 600-700 रुपये में, और अब लग रहा है कहाँ पे भाई 1300 विद लेबर चार्ज, ये भी पकड़ना पड़ेगा ना। सो या गाइस, ये था आज का वीडियो, ज़्यादा बड़ा किया नहीं। और चलो वीडियो को इधर में एंड करते हैं, और अभी फिलअप भी करना पड़ेगा सामने जाके। सो चलो भाई, भाई बहुत स्मूथ हो चुका है पहले से, बट मैं भगा नहीं सकता भाई, मैं भगा नहीं सकता अभी, क्योंकि मेरा चेंज पॉकेट पूरा ख़राब हो चुका है। जब तक चेंज नहीं करता प्रॉपर तरीके से इसको भगा नहीं सकते, क्योंकि कब कहाँ कब टूट जाए मेरे को नहीं पता। तो या चलो वीडियो को इधर में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई सेफ राइड करो भाई, बहुत सेफ राइड करो हेलमेट वगैरह पहन के। सो फिलअप करते हैं भाई, सो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए भाई स्टे सेफ।